नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हार्ट को, हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ताकि आपको हार्ट अटैक या हृदय रोग आपके शरीर को छू ना सके। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, किसी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, वगैरह वगैरह। हार्ट की बीमारी आजकल आम बात हो गई है। ऐसे में हार्ट को मजबूत करने के लिए और आपको ये बीमारी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं आपको इसके 5 अलग अलग नुस्खे बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है अखरोट का। अगर आप लगातार सेवन करेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर नट्स जो हैं उसमें विटामिन ई, मोनो अनसेचुरेटेड्स, फैट्स और अन्य नेचुरल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सक्षम है। इनमें अखरोट सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को टिकने नहीं देता और आपके शरीर को हेल्दी, आपके हार्ट को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ आप अपने खाने में फ्रूट्स, हरी सब्जी और ओट मील या पत्तेदार सब्जी का रोज़ाना सेवन ज़रूर करें, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी के साथ साथ फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियां बेशक भारतीय खान पान का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत लोग खाने से परहेज करते हैं, लेकिन ये आपके शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि आप अपने आप को निरोग रखने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें फाइबर इतना मात्रा में होता है जो कि आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को एक दिन में निकाल कर बाहर करने की शक्ति देता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक, चौलाई के साग, प्याज पत्तेदार या फिर बंद गोभी आदि खा सकते हैं। सेब के सेवन से भी आपका हृदय मजबूत होता है। जी हाँ, सेब के बारे में तो सुना ही होगा आपने कि एक सेब खाने से आपको शरीर में कोई बीमारी नहीं होने देता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व इसके अंदर मौजूद रहता है, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से बचाता है। जब आपका ब्लड थक्का नहीं होगा तो आपको हृदय रोग से बचने में काफ़ी मदद मिलेगा, इसलिए आप एप्पल सेब ज़रूर खाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी को हृदय रोग होता है तो लोग तेल खाने से उन्हें परहेज करने को कहते हैं, या फिर ऐसा तेल खाएं जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ना हो, जिसके लिए ऑलिव ऑयल आपको आमतौर पर लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल वो काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि उसे बाहर से, रसिया से इंपोर्ट कर मंगाया जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर तेल हल्का यूज़ करते हैं तो सरसों का तेल खाएं, क्योंकि सरसों के तेल में कोलेस्ट्रॉल का कम मात्रा होता है और ये आपको हृदय रोग होने से बचाता है। इसलिए आप तरह तरह के पाम ऑयल और अन्य तरह के रिफाइन तेल का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए अगर आपने देसी सरसों के तेल में बने हुए भोजन किया तो वह आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बनने में मदद करेगा। और सरसों का तेल ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इसलिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें या फिर देसी घी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप 5 तरह के उपाय से किस प्रकार अपने हृदय को
हेल्दी बनाकर रख सकते हैं ताकि आपको हार्ट अटैक या फिर दिल से संबंधित श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी ना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे और आप उसे देखकर फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।